महंत नरेंद्र गिरी की मौत के दोषियों को सजा दिलाने के लिए बागामरी पीठ के महंत बलवीर गिरी इन दिनों मंदिरों में अनवरत अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक गुरुजी की मौत के दोषियों को सजा नहीं मिलता, वो मंदिरों पर पूजा अर्चना करते रहेंगे। इसी क्रम में बागामरी मठ में भगवान शिव का लगातार अनुष्ठान चल रहा है। इसके साथ ही अब तक दशामेध मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर सहित तमाम शिव मंदिरों में उन्होंने पूजन किया। इस क्रम में सोमवार यानी आज पड़ेला महादेव मंदिर भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पूजन का दो ही मूल उद्देश्य है, एक गुरु जी के मौत के दोषियों को सजा मिले, इसके साथ ही हम साधु संत हैं, हमारा काम है पूजन करना। आज की युवा पीढ़ी को चंदन और वंदन की संस्कृति बताना भी जरूरी है। अगर धर्म गुरु जगह जगह भाषण देंगे तो युवा पीढ़ी भाषण देना सीखेगी। अगर धर्म गुरु पूजन कर चंदन और वंदन की संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो युवा इस काम में आगे आएगा। युवाओं को संस्कारी बनाना हमारा काम है। आपको बता दें कि सीबीआई ने सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत भी 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि आनंदगिरी के वकीलों ने न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने का इस आधार पर विरोध किया है कि सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सीबीआई उनके मुवक्किल से कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने उनके वकीलों की दलील को नहीं माना और 25 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब इस मामले में 25 नवंबर को सीजीएम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब आनंद गिरी के वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट में आनंद गिरी की जमानत अर्जी दाखिल कर सकेंगे। जा सकता है। कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और किनके खिलाफ क्या क्या चार्ज? तीन लोग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें एक आनंद गिरी जी हैं, दूसरे संदीप तिवारी और तीसरे आदर प्रसाद तिवारी। और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह कहते हुए कहा कि विवेचन अभी प्रचलित है, जिसमें और अभियुक्त या और सबूत अभी आ सकते हैं और लिहाजा विवेचन अभी प्रचलित है। इन तीन लोग के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। इसको फर्स्ट चार्जशीट कहा जाएगा और अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आने की संभावना है अगर आगे कोई एविडेंस मिलता है। सुसाइड नोट जो मिला था राइटिंग, उसमें किसकी थी ये बताया? राइटिंग इन्होंने ये कहा कि एक्सपर्ट से मिलान कराया गया और गवाहों को दिखाया गया और इससे ये कहा गया कि ये राइटिंग नरेंद्र गिरी जी की है जो उन्होंने अलग अलग तिथियों पर लिखा है। अच्छा, वाइस सैंपलिंग भी ली गई है अभी, उसका क्या संदर्भ? उस संदर्भ में अभी सीबीआई ने कोई रिपोर्ट नहीं लगाई है, क्योंकि वाइस सैंपल अभी लिए एक ही दिन हुआ है तो हो सकता है विवेचना में आगे वो दूसरी चार्जशीट में वो लिखे हैं। एक बात, सीबीआई ने ये माना है कि ये है सुसाइड है। बिल्कुल, सीबीआई ने माना है एक सुसाइड। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।